अब हम पहुंच चुके हैं गडानी बीच पे। कामरान भाई बिलाकर ऊंट पे सवार हो चुके हैं। कामरान भाई हाथ हाथ का इशारा करो। कामरान भाई सही एंजॉय कर रहे हैं। तो इधर अभी अनस भाई और कामरान भाई टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं टिकटॉक वीडियो बनाने में मशगूल हैं अभी अनस भाई और कामरान भाई। हाँ जी खड़े हुए हैं गडानी का बहुत खूबसूरत है इधर नज़ारा। जी भी मतलब अभी मैं मंदिर के बीच में आ चुका हूँ। आप लहरें देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लहरें आ रही हैं। इधर देख लहरें बहुत ही प्यारी लहरें आ रही हैं। इधर समंदर पे एंजॉय करना का मेरा अपना ही मजा है। लहरें आप देखिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो आज हम जा रहे हैं औटंग पे, तो ये बताएंगे हमारे साथ हैं मोहम्मद कामरान। तो कामरान भाई आज हम किधर जा रहे हैं? आज हम मदरान भाई गडानी में जा रहे हैं एंजॉय करने। अच्छा गडानी में उधर से अभी टोल प्लाजा क्रॉस किया आप चौकी वाला। अच्छा गडानी में ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो जिधर हम ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे? उधर समंदर है, लोगों की एंजॉय करने की बहुत खूबसूरत जगह हैं। मुख्तलिफ काफ़ी सयाह आते हैं उधर से, कराची से, सुरागोट से और कासम साइड से। अच्छा अभी हम भी उधर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा उधर। तो व्यूअर अभी हम उधर जा रहे हैं, तो जाके जब उधर जा पहुंच जाएंगे फिर उधर जाकर फिर आपको उधर का जो मंजर होगा वो हम दिखाएंगे। तो व्यूअर अभी हमने बॉर्डर क्रॉस किया है इसका, अब हम इंटर हो रहे हैं बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान ये चेक पोस्ट है बलोचिस्तान की, ये इधर से हम दाखिल हो रहे हैं। ये सिंध बलोचिस्तान का बॉर्डर है, ये अभी हम इस ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। सिंध से अब हम जा रहे हैं बलोचिस्तान में, मतलब बलोचिस्तान का जो है ये बॉर्डर है, ये बाउंड्री है ये बलोचिस्तान की। दाखिल हो गए हैं, अब हम दाखिल हो चुके हैं बलोचिस्तान में। ये जो आपको सारा मंजर नज़र आ रहा है ये बलोचिस्तान के एरिया सारा। पिछले जवान अनस यूज कर दूंगा, अनस शर्मी लेना फिर कोई देख ना ले यूट्यूब पे मुंह मोटा आ जाएगा, ना मोटा आ जाएगा। एक ये मसीह पोस्ट है ना बहुत मोटा नजर आ रहा है मुंह, तो मैं उन पता आ ना। तो व्यूअर अभी हम पहुंच चुके हैं चेक पोस्ट पे, ये जो आपको नजर आ रहा सारा ये सिंध बलूचिस्तान की चेक पोस्ट है, बॉर्डर है बलूचिस्तान की, ये चेक पोस्ट है ये। माशाल्लाह कामरान भाई ड्राइविंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, अनस भाई पीछे महसूस हो रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं अनस भाई। जी तो व्यूअर अब हम पहुंच चुके हैं हब चौकी जी, हब चौकी है ना बाईपास, हब चौकी बाईपास पे। तो आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, पहाड़ भी इंजॉय करें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गडानी बीच पे, मेरे साथ कामरान भाई हैं। कामरान भाई तो इधर आपको नज़ारा दिखाते हैं गडानी बीच का। इधर हम फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले इधर कभी नहीं।
हम भाई और भाई और आनंद भाई भी हमारे साथ हैं, तो आगे जा रहे हैं बीच की तरफ, तो सारा मंजर हम आगे आप लोगों को दिखाते हैं। फैमिलीज आई हुई हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि संडे आज तो संडे फिर लोग एंजॉय करते हैं। तो कामरान भाई से पूछते हैं अगर कैसा महसूस कर रहे हैं आप इधर आके? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है एंजॉय करने के लिए, काफ़ी सियाह लोग आए हुए हैं इधर, हम भी आज आए हैं। अदनान भाई पहली मरतबा है, इसको हम इधर लेके आए हैं, बोल रहा था कटाने जाना कटाने कटाने दिखाओ, आज इसको दिखाने आए हैं। जी अलहमदिल्ला इधर पहली बार आए हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इधर गडानी बीच पे, क्योंकि काफ़ी दिनों की ख्वाहिश भी थी कि गडानी बीच पे जाएंगे, क्योंकि कराची के दूसरे बीच जितने भी हैं वो हमने सारे विज़िट किए हुए हैं, तो ये गडानी बीच रहता था विज़िट करने वाला, तो हमने आज इधर विज़िट कर लिया अलहमदिल्ला। तो इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फैमिली दोस्त अब इधर आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए, लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं। ये सारा आप लोगों ने मेरे आखिर में बताना कि आपको गडानी बीच कैसा लगा। गडानी बीच की एक खासियत ये है कि इधर जो लहरें हैं ना इधर वो बहुत ही तेज़ लहरें आती हैं, क्योंकि हमने दूसरे बीच भी जो कराची के हमने विज़िट किए हैं उधर इतनी तेज़ लहरें नहीं आती जितनी इस गडानी बीच पे तेज़ लहरें आती हैं। आप देख सक रहे हैं कि लहरें कितनी तेज़ आ रही हैं, कितनी स्पीड के साथ आ रही हैं लहरें। और कामरान भाई ऊंट पे सफ़र करेंगे इंजॉय करते हुए। कामरान भाई काबू के साथ, गिर ना जाना। तो इधर आप देख सकते हैं फैमिली इंजॉय कर रही हैं, मुख्तलिफ दोस्त अहबाब इधर आए हुए हैं इंजॉय करते हुए। कामरान भाई बिलाकर ऊंट पे सवार हो चुके हैं। कामरान भाई हाथ का इशारा करो। कामरान भाई सही एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे आए हुए हैं, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे इधर एंजॉय कर रहे हैं। कामरान भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं इधर। बीच में आ चुका हूँ, आप लहरें देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लहरें आ रही हैं इधर, देख लहरें बहुत ही प्यारी लहरें आ रही हैं इधर। समंदर पे एंजॉय करने का मेरा अपना ही मजा है, लहरें आप देखिए। तो इधर अभी अनस भाई और कामरान भाई टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं इधर, आप देख सकते हैं टिकटॉक वीडियो बनाने में मशगूल हैं अभी अनस भाई और कामरान भाई। हाँ जी खड़े हुए हैं गडानी का, बहुत खूबसूरत है इधर नज़ारा, ये अदनान भाई को लेके आए हैं, हम तो पहले आते रहते हैं इधर, अदनान भाई का मन कर रहा था मुझे भी ले जाए, अदनान भाई को एंजॉय करने के लिए। अदनान कैसा लग रहा है आपको देख के इधर का? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त महसूस हो रहा है इधर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इधर आके। आनंद भाई अपने फ़ोटो बना रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है इधर।
लोग इधर कश्तियों में लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर। इसकी चारों तरफ पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये भाई भी एंजॉय करने के लिए आया। भाई आप कहाँ से? बलोचिस्तान से आए हो? अच्छा, इधर कैसा महसूस हो रहा है इधर आके? ज़बरदस्त है, पार्टी का जगह है, भी आ सकते हैं। इधर ब्लॉग बनाई। अच्छा, यानी कि एंजॉय है फुल। अनस भाई कश्ती में सवार हो चुके हैं इस वक्त, एंजॉय फुल एंजॉय करते हुए। कामरान भाई ने कैमरे के जरिए फोटो वगैरह बना रहा है। जो ये गडानी व्यूज है ना, इसके दूसरी तरफ आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं सारे, क्योंकि बलूचिस्तान के एरिया को इधर फिर पहाड़ होनी है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चारों तरफ के पहाड़ हैं, इधर फोटो सेशन हो रहा है। जी व्यूअर, तो गैज मेरे साथ हैं, इधर इंजॉय कर रहे हैं हम। अब मैं एक एक से पूछूंगा कि आप लोगों ने इधर कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ कामरान भाई, कामरान भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ अनस भाई आप बताएं कैसा महसूस हो रहे हैं? आप क्योंकि पहली बार आप आए इधर आगे, और भाई भी और से पूछते हैं कैसे इंजॉय कर रहे हैं। और जब अपने दो व्यक्ति का निशान बना के बता दिया गया इधर यार और भाई भी फोन अच्छा कर रहे हैं। पहाड़ी देखे भी निकले भाई और ओके दी रिपोर्ट लगती है। इधर शीशे वाला भाई बैठा है, जो लोग शीशे पीने के शौकीन होते हैं, तो इधर कश्तियाँ आप देख सकते हैं, लोग कश्तियों में इंजॉय करते हैं। आप देखते हैं कोई इंजॉय करने के, ये बहुत ही बेहतरीन जगह है गडानी बीच। जिन्होंने इधर इंजॉय करना हो तो इधर आए, बहुत ही मज़ा आ रहा है इधर। एक इधर रस्सियाँ हैं तो रस्सियों से ना नीचे होकर जाना पड़ता है। इधर सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, तो व्यूअर आप इधर पहाड़ों के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। मेरे बैक साइड पे आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ है बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत मंजर है इधर। पहाड़ और फिर पहाड़ों के साथ समंदर हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है, ये देख सकते हैं आप इधर। और भाई अनस भाई और सामरान भाई इंजॉय कर रहे हैं इधर। तो फिर संडे वाले दिन लोग फिर बाहर निकलते हैं एंजॉय करने के लिए। ये देखो पहाड़ बड़े 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 लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई सेल्फी बना रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है। सूरज भी अब क्योंकि अब ग्रूब होने वाला है, तो इसलिए हम थोड़ी देर तक इधर से निकलते हैं वापस। तो भी फिर आज हमने एंजॉय कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया गडानी बीच पे आकर, क्योंकि इधर फर्स्ट टाइम आए थे, पहले इधर कभी नहीं आए थे, तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया। मेरे साथ कामरान भाई भी हैं, कामरान तो शायद पहले भाई आए हुए थे। मैं पहले बहुत बार आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर बड़ा मज़ा आया। तो अभी हम जा रहे हैं अपने वापस रूम की तरफ, ये हमारी गाड़ी खड़ी है आप देख सकते हैं। अगर कामरान भाई ड्राइव करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें खैर वफ़ीत से अपने घर पहुँचाए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नए व्लॉग के साथ। अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।